नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। और फ्रेंड्स, इस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का नाम है एप्पल बैटरी। सो यहाँ हम एप्पल बैटरी यहाँ बनते हुए देखने वाले हैं कि, और फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है एप्पल्स की। यहाँ मैंने वीडियो के अंदर 3 एप्पल लिए हैं और इसके साथ जिंक मेटल के कुछ इलेक्ट्रोड और कॉपर मेटल भी चाहिए होती है एज इलेक्ट्रोड। सो फ्रेंड्स, यहाँ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए और साथ के साथ मुझे एक एलईडी बल्ब की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। सो ये सेटअप जो आप देख पा रहे होंगे, जिंक मेटल है, ये सिल्वर और वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये एक जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है। कॉपर मेटल भी आपको यहाँ देख पा रहे होंगे और ये कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो फर्दर नेक्स्ट जो हमारे पास एप्पल है वो वहाँ के जिंक टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा और उसी तरह अगला नेक्स्ट जिंक टर्मिनल के साथ आपके पास फिर से कॉपर मेटल वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो जुड़ा हुआ होगा, कनेक्ट होगा और वो फर्दर नेक्स्ट उसके साथ सीरीज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है इस सर्किट के अंदर। सो यहाँ फ्रेंड्स, जिंक मेटल जो होता है वो एज ए यहाँ ऑक्सीडेशन सेल की तरह बिहेव करता है, ये देखिएगा। और यहाँ कॉपर मेटल जो होता है वो रिडक्शन होती है। सो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि वहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे कि एप्पल के अंदर एसिड होता है जो कि वीक एसिड होता है और उस एसिड का नाम होता है फ्रेंड्स मैलिक एसिड। सो यहाँ बल्ब भी बिल्कुल कनेक्शन करने के बाद बीच बीच में आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर ये जल रहा है, ये देखो बिल्कुल लाइट जो है जल रही है। फोकस करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिएगा फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको और इलेबोरेट करने वाला हूँ। जैसे कि ये पूरा जो सर्किट होता है फ्रेंड्स, ये एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं ये ऐसे एक डिवाइस होता है, या यूँ कहें एक ऐसा सेटअप होता है जहाँ केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एप्पल ट्रीट कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट का जो फंक्शन है या इलेक्ट्रोलाइट का जो बिहेवियर है वो यहाँ एप्पल शो कर रहा है। और बाकी टर्मिनल जो हैं, फिर से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि जिंक जो है यहाँ एज ए एनोड टर्मिनल बिहेव करेगा, और यहाँ कॉपर मेटल के छोटे छोटे जो पीसेस लगा के रखे हुए हैं ये एज ए कैथोड टर्मिनल यहाँ ट्रीट में यूज़ में आता है। तो ये पूरा सर्किट है फ्रेंड्स, यहाँ इमेज के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सारे एप्पल आपस में कनेक्ट हैं और बीच में एक बल्ब जो यहाँ जल रहा है। सो अभी फ्लैश लाइट फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल बंद कर दी है और इसको और अच्छे से लाइट को हम अभी देखने वाले हैं। ये देखिएगा, लाइट बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, ग्रीन कलर का ये एलईडी बल्ब है। ये लाइट देखिएगा, ये पूरे सेटअप जो क्रिएट किया गया उसमें से जल के बाहर आ रही है लाइट, बिल्कुल बल्ब बहुत ठीक ठाक सी लाइट जो है जनरेट कर पा रहा है। ओनली 3 क्वांटिटी के अंदर ही ये एप्पल इस सेटअप में मैंने यूज़ किए हैं और इसकी लाइट आप बिल्कुल स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, काफ़ी
अच्छा लग रहा है ये सोच के कि एप्पल से लाइट यहाँ क्रिएट हो सकती है, जनरेट हो सकती है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन इट्सेल्फ, अपने आप में बहुत एक अमेजिंग लग रहा है ये सब देखते हुए। ये देखिएगा, और इस पूरे सर्किट को फ्रेंड्स हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी फ्लैशलाइट ऑन करने के बाद बीच में ये दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा बल्ब जल रहा है, और कोई भी एक्सटर्नल सोर्स मैंने एनर्जी का नहीं दिया है इसके अंदर, लाइक अनदर बैटरी, बिल्कुल मेरे पास कोई भी ऐसी दूसरी कोई एनर्जी नहीं है जो कि हेल्प कर रही हो बल्ब को जलाने में। बस इलेक्ट्रोड ज़रूर यूज़ किए हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बता चुका हूँ उनका जो फंक्शन क्या है। ये देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से देखने को, समझने को और कुछ अपने आप में सीखने को ज़रूर मिला हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।